हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिश किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज हम आदिश किचन में बनाएंगे परफेक्ट स्पंजी एंड टेस्टी व्रत के लिए ढोकला, और उसके साथ ही बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी। गर्मा गर्म स्पंजी ढोकला और उसके साथ ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है, तो रेसिपी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कप सामा के राइस अच्छे से धोकर और दो घंटे के लिए भिगो कर लिए है। इसे भगर भी कहते हैं। तो अभी हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने आधा कप पानी भी ऐड किया है। इसी के साथ हम 1/4 कप साबूदाना लेंगे। इसे अच्छे से धोकर दो घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे और भिगोने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मीडियम खट्टा चाहिए, और इसी के साथ स्वाद के अनुसार हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। दो हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अनुसार लेना है मिर्च, तो दो हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, और आधा इंच अदरक इसमें हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, ज़्यादा भी नहीं, आधा इंच बहुत हो जाता है। अभी इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पर हमने ग्राइंड कर लिया है, और ये ऐसा हमने इस कंसिस्टेंसी में हमें ग्राइंड कर लेना है, पतला ही चाहिए। तो हम अभी एक इस बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, पूरा बैटर निकालना है। अभी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। समा के राइस अच्छे से भीगे हुए हैं, इसलिए पानी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, और उसमें एक स्टैंड रखेंगे, और गैस को मीडियम फ्लेम पर हम रख देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। अब तक एक टिन लेना है, मैंने यहाँ पर केक का टिन लिया है। इसमें ऑयल हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों साइड से, हाथ से करो या ब्रश से करो। बैटर में हम 1 टेबल स्पून मूँगफली का ऑयल ऐड कर देंगे। इससे ढोकला सॉफ्ट बनता है, और इसी के साथ 1 टीस्पून इनो ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें सिर्फ बैटर आधे मिनट के लिए मिक्स करना है, ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। ज़्यादा मिक्स करने पर इनो का असर कम हो जाता है। अभी जो हमने केक टिन तैयार करके रखा है, उसमें हम सारा बैटर ऐड कर देंगे, और बैटर ऐड करने पर तुरंत ही हम अभी उबाल आए हुए पानी में यहाँ पर रख देंगे स्टीम आने के लिए, और ढक्कन लगाकर रख देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से, 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे और चेक करेंगे। अपनी सूरी एकदम क्लियर आई है, मतलब ढोकला पककर रेडी है। और थोड़ी देर तक हम ऐसे ही ढककर रख देंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सिंगदाना ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, करी लीव्स ऐड कर देंगे, और करी लीव्स अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे में हम अपने पसंद के अनुसार मिर्ची ऐड करेंगे। मैंने कश्मीरी रेड मिर्ची का इस्तेमाल किया है, 3 बड़ी मिर्च ली थी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम 1/2 कप सिंगदाना का इस्तेमाल करेंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें 1/4 कप हम नारियल का बुरंदा ऐड करेंगे, और इसे भी अच्छे से अभी भून लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भूनकर करारे होकर रेडी है। अभी हम इसे एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे, एक साथ ही निकालना है। इसके साथ ही हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून हम शुगर ऐड कर देंगे। इसमें 1/2 लींबू हम लींबू का रस ऐड कर देंगे। बहुत चटपटी चटनी बनकर रेडी होती है, और इसे मिक्सी जार में हम अभी ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड होकर रेडी है। थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसे मिक्स कर लेंगे, और एक बार और फाइन इसकी पेस्ट बनवा लेंगे। इस तरह से अपनी चटनी बनकर रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर रेडी है, देखिए। और आप अपने ही चटनी को आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। अभी हम छुरी लेंगे और ढोकले की साइड्स हम खोल लेंगे। तब तक एक तड़का भी तैयार कर लेते हैं।
एक पैन में हमने ऑयल लिया है, सिंगदाना ऑयल लिया है, इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे और 1 टीस्पून तिल हमने ऐड किए हैं। इसी के साथ हम लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और ये हम ढोकले के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ढोकला अपना परफेक्ट रेडी है, इसलिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा इस मेजरमेंट से। अभी ढोकले को हम अच्छे से काट लेते हैं, छुरी से ही पीसेस निकाल लेते हैं। अभी भी गर्म ही है ढोकले का तेल, अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस आप कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ढोकला बनकर रेडी होता है और स्पंजी भी है, देखिए एकदम स्पंज के जैसे सॉफ्ट ढोकला बनकर रेडी है। देखिए बहुत सुंदर टेक्सचर आया है। अब हम चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड एंजॉय।